बेहतर समझे तो बेहतर अमल कर सकते, हम नहीं समझेंगे तो कुछ भी अमल नहीं कर सकते। लिहाजा हमको समझना उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। और पहले क्या था, लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, वजूहात या इतला, ये सोच करने का मकसद क्या है कि बच्चा तालीम के बाद भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने मसाइल पे हल के काबू करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बोलते हैं, हम अपने मसाइल का हल कैसा करेंगे। आम जबान में और बेहतर अंदाज में बोले तो ये कह सकते हैं लाइफ स्किल एजुकेशन, लाइफ स्किल एजुकेशन, जिंदगी को बेहतर गुजारने के सबसे इंसान में पैदा होना, फिर कहा होना कमरे जमात में और बच्चों की जिंदगी के अंदर बदलाव, इंकलाब जब तक नहीं आएगा जब तक वो इंसान को तालीम वो किस्म की जाँच ना। तो जांच का तरीका क्या रहा था आपको तो अभी आपके बारे में आपको तो मालूम है, शुरू हो चुका है, आठवीं तक चल रहा था, दसवीं में भी शुरू किया है। तो इसके अंदर यहाँ पर बताया गया कि आपके मशगले क्या क्या है और उसके आलात क्या क्या है, यानी कि मशगले पे मुझे तालीम होनी चाहिए, आलात है तो सबसे जामे जांच के लिए कुछ आलात चाहिए, मजमून वाली कुछ आलात होनी चाहिए। जैसे आमतौर पर हम जो कहते हैं मशगले, मशगला हर मजमून में ले सकते हैं, उर्दू से लेके तमाम जुमरों में आप ले सकते हैं, उर्दू अंग्रेजी रियाजी और समाज और साइंस, ये पूरे जुमरों में आप मजाजिल ले सकते हैं। मजाजिल को यहाँ पर बताया गया तीन एतबार से बताया गया, मजाजिल क्या है आपको देखेंगे, कुल जमाती मशगला एक होता है, गुरुमी एक होता है, एक बार भी एक होता है, एक बार ये कब देना, कुल जमाती कब कराना और गुरुमी कैसा करना। तो बच्चों को यहाँ पे ग्रुपबंदी करकर मजगलों के अंदर निकाल दिया जाएगा, यहाँ के बच्चे ताकि सीख सके क्या उन्हें किस हद तक सीखा उसके ऊपर गुफ्तगू हो सके, क्योंकि वक्त वो खलील है, इसीलिए मैं बच्चों को ये पूरा मकसद क्या है, इल्म की तश्कील होना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इल्म की तश्कील कब होगी जब उसको अच्छी तरह से सीखेगा, पहले नहीं सीख रहा था जो अब सीखेगा, हर जमाने में सीख रहा है, पर आज का सीखना बनिस्बत पहले के, अब आप किताबों का निसाब का जायजा ले तो आपको मालूम होगा कि पूरी के पूरे मजगलों पर वो नहीं है, ये निसाब जो तैयार हो गई है थीमैटिक बेस पर, और ये अप्रोच को थीमैटिक अप्रोच के नाम से रखा गया है, जो थीम जो बताया जा रहा है क्या थीम के तहत आप लोगों को किताबें निसाब पर रखने का मकसद है वो आप तक पहुँचना। तो जब ताकि आप जो चीज ये तो आप देखें, जो मैं देखता हूँ जो इंसान सोचता है वो भूल जाता है, वो देखता है कुछ याद रहता है, जो अमली काम करता है वो इंसान हमेशा याद रहता है, इसलिए बोलते आईएस आई फॉरगॉट आई सी आई रिमेंबर आई डू आई अंडरस्टूड। जब तक आप अपने हाथ से कोई काम या प्रोसेस को आप अमल नहीं देंगे आप उस चीज़ के मकसद तक हासिल या नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर आपके तजुर्बों को खास तौर पर अहमियत दी गई, प्रोजेक्ट मेथड होमवर्क सिस्टम को सीसीई से निकाल दिया गया, होमवर्क पहले क्या था बस किताब को लिखा दिया जाता था, होमवर्क देखिए होमवर्क लिखिए मैं सवाल देता हूँ कल उसकी जांच होगी, यहाँ पर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के माने असाइनिंग एनी वर्क वो भी बदले, एक ग्रुप को भी आप कुछ काम देते सौंप देते, कैसा करेंगे आप इसके मामले में, किस हद तक आप सौंपेंगे, उसका तो अमल क्या होगा, कैसे तरीके से सौंपेंगे, उसे मनाएंगे, बच्चा क्या करेगा माँ बाप को जमा करेगा या उसके तालुक से खुद जाकर देखेगा या नहीं मिल सका तो उसको जानने वाले उससे करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर सीसीई के प्रोग्राम मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, या आपको उनवान बताया गया कि हमारे पास जदीद निसाब और मुसलसल जाम जांच यानी सीसी कंटिन्यूएशन कंपनी एवैल्यूएशन, तो यहाँ पर हम सब जमा होकर हम वो मवाद को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये अमल के अंदर ही हमारा बच्चे का ज्यादा से ज्यादा फील्ड में काम करना है। और किताब के अंदर आपको पहली बुनियादी बात बताई गई, बच्चों ये किताब आपके लिए बनाई गई, टीचर टीचर में रहेगा बल्कि फैसिलिटेटर रहेगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आप तो बखूबी जानते हैं इसके बारे में, तो लिहाजा किताब बच्चों के लिए है, असातिज़ा से मददगार रहनुमा ये काम अंजाम दे रहे हैं और गाइड का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि तमाम मजामिन के अंदर अभी तक तो खाली सीसी के अंदर और इस जुमरे को थोड़ा आगे बढ़ाया गया पुराने साफे से तरीके से, फिर निसाब के हद तक नहीं बल्कि निसाब के अलावा भी जांचना लाजमी है उसका बताया गया, जिसे आम जबान में को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, मतलब तालीम से मजीद इजाफा जो भी अमल होता है। मगर ये जो जियो नंबर अभी मैं आपके सामने पढ़ बताया था वो जियो में खास तौर से बताया गया है कि
कि ये जो निसाब को करिकुलर एक्टिविटी निसाब उसको सीसी में शुमार नहीं करना, बल्कि इसको निसाब ही समझकर तालीम और अमल का जो भी उसको एक्शन प्लान आपका करना चाहिए। जैसा कि मिसाल के तौर पर मस्जिद के ऊपर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और सेहत और जिस्मानी तालीम जिसे हम कहते हैं। दूसरा आर्ट्स एंड कल्चरल एजुकेशन, यानी आपके बारे में ये सब आपको तफसील रहेगा। वर्क एंड आपको बताया जा रहा है कंप्यूटर एजुकेशन, काम और कंप्यूटर की तालीम, यहाँ पर ऑलरेडी बताया जा रहा है वायु निकलना, जिंदगी गुजारने का अमल, लाइफ स्किल एजुकेशन। अब इंटरमीडिएट के अंदर भी देखेंगे साल 11वीं और 12वीं के अंदर भी इंग्लिश के अंदर एक लाइफ स्किल के अंदर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक शख्सियत शादी कैसी होनी चाहिए आप एक इंसान की, तो उसको आप खुदे ही मजबूत से ताल्लुक रखते हो, पर आपको उस चीज पर पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि और एक बच्चों को अहम इसके मकासिद के अंदर और एक हिस्सा है कि बच्चों के अंदर इम्तिहान का खौफ को निकालना। असल सीसी के अंदर इम्तिहान बोलते बच्चा हैबत खाता, इम्तिहान बोलते कहाँ कुछ नहीं चाहिए, बच्चे के अंदर ये खौफ का जो मरहला रहता है उसके दिमाग में उसके दिल में जो घर कर जाता है खौफ, वो खौफ को खत्म करना सीसी का बुनियादी मकासिद का बुनियाद है। यहाँ पर और एक है तालीम के अंदर या इल्म के अंदर कसरीर या कसरत का इजाफा होना लगातार और उसकी जांच लगातार करते जाना, इसके अंदर बताया गया। इसके अंदर और एक बताया गया कि जदीद उसके अंदर और एक बोला बताया जा रहा है कि इंसान लाइब्रेरी और कुतुब जो भी उसके पास मुहैया रहती है उस पर ज्यादा से ज्यादा कसरत से उन्हें मुताला कर सके। और आजकल तो जदीद तालीमी जो जरिया है वो इंटरनेट कहलाता है, वो इंटरनेट के अंदर अभी तो आप किताबें पढ़ते थे घर तक महदूद आकर रुक जाते हैं, पर इंटरनेट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा आप उसके बारे में मालूम इकट्ठा कर सकते हैं। और एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर लर्निंग असेसमेंट बच्चे की एक हिसाब को जांचने का मामला, कैसा हम बच्चे की जांच करेंगे, ये तीन हिस्सों में कर रहे हैं। असेसमेंट एज लर्निंग जिसे हम कहते हैं एक हिसाब का एक हिसाब। दूसरा है अरे असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक हिसाब बनाया करो एक हिसाब। तीसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये एक हिसाब का एक हिसाब। ये तीन जुमरों में सीसी के ऊपर मुकाबला किया जा रहा है। यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग असेस करना होगा तो जांचना, लर्निंग हो तो एक तरह कितना आप सीखे कितना आप अमल करें क्लास में कमरे जमात में या आप कोई मवाद के ऊपर उसके ऊपर देखना है। जैसा यहाँ पर पहले क्या था टीचर बोलते थे बच्चा सुन लेता है, टीचर बोलते थे बच्चा सुनता है, मतलब बच्चे की शराकतदारी उसमें कम से कम हुआ करती थी साबित आता रहती थी। अब जदीद तरीके में क्या है उपाय ऐसा है टॉपिक देकर, जैसा एजुकेशन के अंदर भी है जैसे सेमिनार को कंडक्ट करते हैं टॉपिक देकर बोलते हैं, तो बच्चों को हम क्लास के अंदर ही वैसा ही मोबाइल का माहौल प्रारंभ करना चाहिए। तो टीचिंग हम कैसे करेंगे ये हमारे पास, और प्रोजेक्ट को खास तौर पर बताया गया है कि प्रोजेक्ट का मेथड क्या रहता है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ बेहसाब बवक्के एक के साथ जब तालीम दी जाती है तो बच्चों के अंदर क्या क्या होना होनी चाहिए। तो मजाबिल का मुनाफिक करना इसके अंदर आता है, मजाबिल क्या होते हैं कैसे होते हैं, मजाबिल की नौीयत कैसी होनी चाहिए, और जो मजाबिल रखते हैं उन हिसाब से या कंटेंट से